नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए ये तड़कती भड़कती कंपैरिजन वीडियो अबाउट द टू बिगेस्ट कंपेरिटर्स ह्यूंडई आयोनिक 5 एंड किया ईवी 6। अगर आप मार्केट में एक लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हो और अगर इन दो गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपको सब कंफ्यूजन क्लियर कर देने वाली है गाइस। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो उसे एक लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। लेट्स गेट गोइंग। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्राइस से। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है द ह्यूंडई आयोनिक 5 जो अप्रोक्सीमेटली 47 से 48 लाख पड़ती है ऑन रोड कलकत्ता में। मुकेश ह्यूंडई का नंबर मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इस गाड़ी के बारे में इंक्वायर कर सकते हो और टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और यहाँ पर है कुछ 71 लाख की ईवी 6, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल में कर रखा है। प्रॉब्ली द लास्ट वीडियो दैट यू गॉट वॉज द रिव्यू ऑफ दिस वीडियो, उसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुका हूँ तो वो भी आप जाके देख सकते हो। सेपरेटली डिटेल रिव्यू है गाइज, वो भी देख सकते हो। ये कंपैरिजन रिव्यू होने वाली है तो मोटा मोटा जो डिफरेंस जो गाड़ियों में है मैं वो कवर आपके लिए कर दूंगा। सो एज आई वाज सेइंग 71 लाख 48 लाख, दिस गिव्स यू अ रेंज ऑफ 610 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली एंड दिस गिव्स यू अ रेंज ऑफ 630 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 77 किलोवाट, 72 किलोवाट। सो पावर की बात करें गाइस, पावर में दोनों गाड़ियां टक्कर की हैं। ये आपको 630 एनएम का पावर देती है, ये आपको 350 एनएम का टॉर्क देती है। तो क्वेश्चन ये है गाइस, 605 एनएम का टॉर्क लेके आपको चांद की सफारी पे जाना है या आपको 350 एनएम का टॉर्क लेके मस्त शहर की और इंडिया की राइड लेनी है? डेफिनेटली गाइस 650 एनएम का टॉर्क, 605 एनएम का टॉर्क है तो डेफिनेटली फास्ट होगी, बट क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो वो होता है। चलो आओ चलो बात करते हैं इसकी हेडलाइट पे। तो इसकी यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी पिक्सल में हेडलाइट जो है वो देखने को मिलती है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के बारे में गाइस, हम यहाँ पे साउथ सिटी मॉल में आए हुए हैं और यहाँ पर एक ईवी का यहाँ पे शो होके रखा है तो हो सकता है थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आएगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। तो ये इसका फ्रंट फेशिया है, यहाँ पर भी एडास 2 का यहाँ पे रेडार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर सी सैटिन फिनिश में इसका ये लुक है और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल सी हेडलाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और ये इसका कुछ फ्रंट फेस है इस तरह से। चलो आप चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल की बात करें गाइस तो दोनों का कंपैरिजन मैं आपको अपने स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ कि ये है इसकी साइड प्रोफाइल और ये है इसकी साइड प्रोफाइल। नाउ ये डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी है, कूपे स्टाइल एसयूवी है, यहाँ पर कूपे स्टाइल तो नहीं है बट बॉक्सी शेप में ये एसयूवी का फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। दोनों के दोनों टायर्स की बात करें, 20 इंच के मिशेलिन के टायर्स आपको आयोनिक 5 में मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको 19 इंच के जो टायर्स जो है वो कुछ कुमोटो या कोई कंपनी है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके यहाँ पे आपको टायर्स वहां मिल जाते हैं 19-20। ये इसके अलॉय व्हील्स है, वो उसकी अलॉय व्हील्स है। 360 डिग्री कैमरा दोनों के दोनों गाड़ियों में आता है विच परफॉर्म्स वेरी वेल। दोनों की अगर बैक प्रोफाइल में अगर चले तो ये है आयोनिक 5 की बैक प्रोफाइल, पिक्सल में इनका इस तरह से कुछ सेटअप है। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट ओपन का इसमें भी फंक्शन है और अगर हम ईवी 6 की बात करें तो ये कुछ इसका बैक प्रोफाइल है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली ओपन टेल गेट का ऑप्शन में मिल जाता है। की अगर बात करें गाइस, ये है आपकी ईवी 6 की चाबी, ये है आपकी आयोनिक 5 की चाबी, दोनों की चाबी अपने आप में यूनिक है, अच्छी प्रीमियम फिनिश है दोनों की दोनों चाबियों में, सो दैट्स काइंड ऑफ गुड। ऑलराइट गाइस, सो ये तो था एक्सटीरियर का। हम आपको और बता दें कि यहाँ पर हमें एक बड़ी सी मून रूफ जो है वो देखने को मिल जाती है ईवी सॉरी आयोनिक 5 में जो खुलती नहीं है और यहाँ पर हमें छोटी सी सनरूफ मिलती है जो खुलती है, दिस एक्चुअली ओपन्स विच अगेन इज गुड बट डू नॉट कम आउट ऑफ सनरूफ। शाफ्ट एंड एंटीना ऑन बोथ द कार्स, ये सब स्टैंडर्ड है। यहाँ पर भी आपके जो एरोडायनेमिक यूज करने के लिए स्पॉयलर्स जो यूज किए गए हैं, यहाँ पर भी एरोडायनेमिक्स यूज करने के लिए स्पॉयलर्स यूज किए गए हैं, ये सब तो कॉमन हो गए गाइस दोनों गाड़ियों में। अगर आप देखो तो ये कुछ मॉडर्न स्टाइल के जो हैंडल्स जो होते हैं वो वाले देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें सीट अपोल्स्ट्री की, दोनों गाड़ियों में मैं आपको बता दूं
क्या हाल है साहब सिनेमा वाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों की दोनों गाड़ियों में आपको वीगन लेदर का जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो देखने को मिल जाता है। दिस इज अ ब्लैक डार्क कलर और आयोनिक 5 में आपको भी व्हाइट कलर में जो के व्हाइट कलर में अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। अगर डोर की बात करें गाइस, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में डोर आता है विद दिस सनरूफ, और EV6 में सनशेड तो नहीं है और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है। दोनों की दोनों बॉर्न इलेक्ट्रिक गाइस, सनरूफ नहीं सॉरी सनशेड, दोनों की दोनों गाड़ियां गाइस बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे यूज की गई है गाइस, जिसके वजह से मिडिल पैसेंजर जो है उसको बैठने में काफी कंफर्टेबल यहाँ पर सीटिंग मिल जाती है। बट आई पर्सनली लाइक द आयोनिक 5 का यू नो द सेटअप, इट इज मोर मॉडर्न, मोर फ्यूचरिस्टिक एंड मोर वैल्यू फॉर मनी। आई मीन मैं 48 लाख रुपीज देकर ये गाड़ी लूंगा कि आप मैं 71 लाख रुपीज देके वो गाड़ी लूंगा। चॉइस सब्जेक्टिव है गाइस, चॉइस आपकी है। मेरी पर्सनल चॉइस 100% मोर वैल्यू फॉर मनी इज दिस कार। ऑर्को को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरा अपने स्क्रीन को ऑन कर दे, क्योंकि दोनों में ही आपको वहां पर भी 12.5 इंच की इंफोटेनमेंट, यहाँ पर भी 12.5 इंच की इंफोटेनमेंट है जो वो देखने को मिल जाती है। MID भी जो है वहां पर यहाँ पे 10 या 12 इंच की देखने को मिल जाती है। दोनों की दोनों फ्लोटिंग वन ग्लास में आपको ये स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों के जैसे यहाँ पर भी हमें 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें गाइस, दोनों की दोनों गाड़ियां जो है वो NCAP में 5 रेटिंग जो है वो सिक्योर करती हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तीनों के तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यू नो आई मीन बोथ दीज कार्स आर बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आप एक लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी खोज रहे हो SUV में, इन कंपेरिजन टू यू नो अ BMW और Audi और Mercedes, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव वन। बोथ ऑफ दीज कार्स आर एक्सेलेंट। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम MID और इन्फोटेनमेंट क्लस्टर की बात करें, देखो इसमें भी आपको फ्लोटिंग सी स्क्रीन मिल जाती है 12 इंच की और 10 इंच की, उसे मिल जाती है। ये है कुछ इसका डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल का सेटअप, और ये है कुछ इसका डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल का सेटअप। दोनों अपने आप में यूनिक है गाइस। मेरे को सेंटर कंसोल उसका बेटर लगा, बट मेरे को ओवरऑल जो है वो फील, टच फील इस गाड़ी का ज्यादा कुछ बेटर लग रहा है। चलो फ्रंट सीट पे चलते हैं और आपको कुछ और कंपैरिजन देते हैं। तो यहाँ पर भी काफी भारी सी डोर है गाइस। वन सेकेंड, आई एम अ बिगर फैन ऑफ दिस कार, आई एम नॉट बायस, बिलीव मी, एंड जस्ट लुक एट दिस। दोनों गाड़ियों में आपकी 10-way इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पे एडिशन किया है कि यहाँ पे आपको जो थाई सपोर्ट है वो इम्प्रूव करने के लिए अलग से ये वाला जो है वो मिल जाता है। दो उसमें कुछ 12 या 13 स्पीकर आते हैं उस वाली गाड़ी में, इसमें कुछ 8 स्पीकर आते हैं, बट दे बोथ आर इक्वली गुड एंड गिव्स अमेजिंग पल्सेटिंग साउंड, यू नो। एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस। हाँ, इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम जो मैं सोचता था कि मैं फेस करूंगा कि अगर मैं पांव रखता हूं तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, दैट इज वाई आई लाइक दैट वन सेंटर कंसोल बेटर। बट नाउ आई थिंक कि यहाँ पे कुशनिंग इतनी सॉलिड यहाँ पे दी गई है ना कि दिस बेसिकली गिव्स यू द सपोर्ट फॉर योर थाई दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दिस कार गिव्स द बेटर कंफर्ट ऑफ दीज टू कार्स। इस अपनी EV6 एंड आयोनिक 5 को कंपेयर करो तो आयोनिक 5 का ड्राइवर सीटिंग कंफर्ट इज 10 times बेटर इन माई ओपिनियन देन द EV6। ओवरऑल भी अगर बात करें गाइस, टच फील फिनिश की यहाँ पे सॉफ्ट टच का ज्यादा यूज किया गया एंड कंपेयर टू दैट कार, दिस कार लुक्स मोर प्रीमियम, मोर फ्यूचरिस्टिक। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैनोरामिक मून रूफ, दैट डजंट रियली हैव दैट, यू कैन सी दैट एंटायरली ऑन माई स्क्रीन। सो देर आर मेनी थिंग्स यू नो दैट हैज मेड मी कम टू दिस डिसीजन। यहाँ पे और भी बहुत कुछ अमेजिंग चीज, यहाँ पे भी 2-spoke है, वहां पे भी 2-spoke है, ड्राइव मोड यहाँ से चेंज होते हैं मोर ऑर लेस। देखो Hyundai एंड Kia वाले दोनों कोरियन कंपनी है, मोर ऑर लेस इनका प्रोडक्ट्स जो होता है ना वो सेम फैक्ट्री से आता है। व्हेन आई से फैक्ट्री मतलब कि इनका जो अम्ब्रेला जो है वो सेम है, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो क्वेश्चन तो वही आता है ना गाइज, आप 48 lakhs देकर, ये 48 lakhs भी कम थोड़ी ना होते हैं। 48 lakhs में देखो इसकी भी जो स्टेयरिंग है वो भी आपकी 2 एडजस्टेबल है, हाइट एज वेल एज रीच उसकी भी है। यहाँ पर भी आपको सारे के सारे फंक्शंस जो है स्टेयरिंग पे मिल जा रहे हैं, और यू नो एवरीथिंग, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग, बोथ दीज कार्स आर नेक टू नेक, एक से बढ़कर एक, जिसको हम कहते हैं। चलो यहाँ पर भी जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो किधर है, मैं वही खोज रहा हूँ कुछ यूनिक से जगह। हाँ ये देखो यहाँ पर है। एनीवेज इसको मैंने ऑफ कर दिया गाइस,
मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बिकॉज डिटेल्ड रिव्यू जो है इन दोनों गाड़ियों का वो मैंने अलग से ही अपने चैनल पे दे रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हो। हाँ चलो, इसका भी मैं आपको इंजन बे दिखा देता हूँ। क्या इंजन बे तो क्या दिखाऊं, इसका मैं वापस से आपको जो पावर है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो है वो बता दिया है कि इस गाड़ी में कितना पावर है विच इज आयोनिक 5 में, और उस गाड़ी में कितना पावर है विच इज योर किया EV6। चॉइस आपकी रहेगी गाइज, यू डोंट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि आप मेरे थॉट से अग्री करो, कर भी सकते हो, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जरूर कि आप क्या सोचते हो। आप सोचते हो कि नहीं आपकी चॉइस EV6 है तो वेरी गुड, आप सोचते हो आपकी चॉइस आयोनिक 5 है तो भी वेरी गुड, दोनों गाड़ियां अपने आप में लीग्स अपार्ट हैं। ये परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा हेल्प करेगी, दिस विल गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू दिस, बट इसकी परफॉर्मेंस कुछ कम नहीं है, दिस गिव्स यू मोर देन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, दिस जस्ट गिव्स यू maniac, it will make you a maniac behind the wheels, that's for sure. Value for money in my opinion is this car, the Hyundai Ioniq 5. Kia 6 looks mein iska koi comparison nahi hai, alag stand out karegi gaadi, wo bhi karegi, but log isko zyada dekhenge. Once again, aap mujhe batao comment section mein ye video aapko kaisi lagi guys. Achhi lagi hai to please don't forget to like this video, channel mein naye ho to don't forget to subscribe and hit the notification bell. मैं आपको बहुत सारी आपके लिए मैं कंटेंट लेके आऊंगा, एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।